दोस्तों मैं शाम कुमार, अभी हमारे दोनों तरफ देखिए प्यार दरोगा एसआई का बच्चे जो है पास करके आ चुके हैं। ये इसका भी बहुत ज़्यादा इंजरी था और इंजरी के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, घर गए फिर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंजरी हुआ था इसका पैर भी फ्रैक्चर कर गया था, थोड़ा दिखा रहा था MRI में, और लास्ट में जाके 10-12 दिन में फिर रिकवरी किए। लॉन्ग जंप हाई जंप तो ठीक ही था, लेकिन दर्द के कारण हो नहीं रहा था, दौड़ भी नहीं हो रहा था, दौड़ तो एकदम बंद हो गया था पूरी तरह से। पर हिम्मत आदमी को बहुत आगे ले जाता है, उसी तरह हिम्मत इनके पास था और आज ये भी पास कर गया, इधर ये भी पास कर गया। तो कैसे आप अपने एकेडमी में पास किया और कैसा लगा था कि हो पाएगा कि नहीं? जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा था, कॉल कर रहे थे बार बार कि सर क्या करें, अब हम क्या कर पाएंगे, कुछ कहना चाहिए? शुरुआत में सर जो परेशानी हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन आपकी सहायता से, आपके सहयोग से लास्ट में बहुत अच्छा कर दिए और हाई जंप भी बहुत अच्छा करवाया सर, बहुत अच्छा सीखा आपसे, और रनिंग में बहुत मदद किए हैं सर, बहुत मदद किया। स्टार्टिंग में रनिंग नहीं हो रहा था हमसे सर, बहुत मदद किया उसमें, इससे आज सर की वजह से हम रनिंग पास कर रहे हैं। तुम क्या कहना चाहते हो, कैसे किस तरह से मेहनत करके यहाँ पे आए? यहाँ पे आए तो आपके आपका जो अच्छी था सर, बहुत अच्छा था, मेहनत करवाने का मौका, प्रैक्टिस के बाद भी सर कर लिए, मसल क्रैम्प इसका बहुत ज़्यादा कर रहा था, मतलब पैर काम नहीं कर रहा था, उसके बाद आज पास किया है। और गर्दनी बाग में हमारा आज 2-3 लड़का गड़बड़ाया है, 6 राउंड मार दिया है, ये नहीं याद रहने के कारण भी राउंड लगने के, जो लड़का पास करता था अच्छा 6-6, 6-7 में मारता था वो फेल कर गया, तो समझिए कहीं ना कहीं दिमाग अगर से नहीं दौड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। और लॉन्ग जंप में भी मेरा एक लड़का फेल कर गया, गड़बड़ा गया दौड़ पास करने के बाद। थोड़ा सा आप लोग को भी जोश में साथ करना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।